नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों गुड न्यूज है, काफी अच्छा शानदार रिस्पांस रहा। अभी तक टोटल 570 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया लखनऊ, हैदराबाद और कोलकाता के लिए, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन सेमिनार के लिए 570 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली जिनको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है। तो पॉइंट ये है कि अभी नीड बहुत ज्यादा है, लोगों को अभी एम्प्लॉयमेंट की, जॉब की काफी जरूरत है। और इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने एक प्लान किया जो कि पहले से ही प्लान था, लेकिन अभी उसमें हम प्लानिंग करने वाले हैं, कुछ एग्जीक्यूट करने वाले हैं, और अभी हम आने वाले टाइम पर कुछ शहरों में सेमिनार करने वाले हैं। और ये जो टाइम होगा वो 10 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच का टाइम रहेगा। इसी पीरियड में हम इन शहरों में सेमिनार करने वाले हैं। दोस्तों अभी कुछ सेमिनार ऐसे होंगे, जैसे वडोदरा में सेमिनार जो कि ऑफिस है वहां पर भी मैं एक सेमिनार करने वाले हैं। वडोदरा के बाद फिर जयपुर का सेमिनार, गुवाहाटी का सेमिनार, अगरतला, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी हमने प्लान किया कि अब हम नॉर्थ ईस्ट में भी एक प्लेस पर सेमिनार करेंगे और वो अगरतला रहेगा। अगरतला में हम सेमिनार करने वाले हैं ताकि वहां पर जो लोग अगरतला आ सकते हैं वो अगरतला आएंगे और जो लोग गुवाहाटी जा सकते हैं वो लोग गुवाहाटी जा सकते हैं। अगरतला के बाद फिर रांची का प्लान है, रांची के बाद भोपाल का प्लान है, भोपाल के बाद बेंगलोर का प्लान है, बेंगलोर के बाद कोचीन का प्लान है, कोचीन के बाद में पुणे का प्लान है। इन सभी शहरों में सेमिनार होने वाले हैं और सेमिनार के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि 100+ रजिस्ट्रेशन होंगे तो ही हम सेमिनार प्लान करेंगे। अब ये जो 100+ जो रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि वेन्यू फिक्स करने में हमें डिसीजन लेना पड़ता है, हॉल छोटा लेना बड़ा लेना। जैसे कि अभी देखा जाए लखनऊ के लिए पहले हमने एक्चुअली मीडियम हॉल लिया था, बट अभी हमें बिग हॉल लिया क्योंकि काफी लोगों की इंटरेस्ट लखनऊ के लिए रहा। तो अभी जो भी सिटी हमने अनाउंस की अगर मिनिमम 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया तो वहां का सेमिनार फाइनल हो जाएगा। और ये सेमिनार 10 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में रहेगा। इस पीरियड में क्यों रखा गया, उसका रीजन है दोस्तों, जैसे बाद में ट्रैवलिंग के लिए प्रॉब्लम होती है, टिकट्स नहीं मिलते हैं और नवरात्रि शुरू हो जाती है, दशहरा आता है, दशहरा के बाद में दिवाली के बाद छुट्टी, तो लगभग एक महीने तक लोगों का ट्रैवलिंग उतना फ्रीक्वेंटली नहीं हो सकता है, उतना आसान नहीं हो सकता है और टिकट्स मिलना मुश्किल होता है। और दूसरी बात कि हमारे पास में जो अभी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स में अभी जितनी जल्दी जो रिलेवेंट लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इसमें फिल्टर्ड किए जा सकते हैं, उसमें एलिजिबल होंगे तो शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट है सारे रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो सिंगापुर की रिक्वायरमेंट हो या फिर मलेशिया की रिक्वायरमेंट हो या फिर जो हमारी अपकमिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं या फिर रिक्वायरमेंट है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्लान किया गया कि जो लोग भी सेमिनार में आएंगे उनको वेटेज मिलेगा। सेमिनार का एक अलग खुद का कॉन्सेप्ट है जिसमें से हम लोग पीडीओटी और प्री एप्लीकेशन दोनों टाइप के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं ताकि लोग अवेयर हो सके बाहर जाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। कोई भी अगर विदेश में जॉब करने के लिए जाने वाला तो उसको कौन कौन सी चीजों पर ध्यान रखना है, वो सारी चीजें डिटेल में इन सेमिनार्स में आपको मिलने वाली हैं। और साथ साथ में करंट अवेलेबल जॉब्स के ऊपर भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोकेशन हमने बताई अब इसमें से जयपुर है, जयपुर के लिए राजस्थान के लोग, पूरे राजस्थान के लोग, हरियाणा, दिल्ली, बॉर्डर यूपी के लोग भी आ सकते हैं, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, सभी लोग जयपुर में आ सकते हैं क्योंकि जयपुर उनको पास में पड़ेगा, ओवरनाइट जर्नी रहेगी, आराम से आ सकते हैं। गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी में पश्चिम बंगाल के लोग भी आ सकते हैं, असम, नॉर्थ ईस्ट के लोग आ सकते हैं और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के लोग अगरतला में भी जा सकते हैं। वहां की जो लोकेशन को ध्यान में रखते हुए हमने अगरतला भी प्लान किया। और अभी दोस्तों हमारे पास में नर्सिंग की काफी रिक्वायरमेंट्स होती है, हेल्थ केयर के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सभी लोकेशंस के ऊपर हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद में रांची हमने प्लान इसलिए किया, पहले पटना का प्लान चल रहा था लेकिन अभी रांची प्लान इसलिए किया क्योंकि टाइम कम है और जैसे दशहरा करीब होता उसके बाद में ट्रैवलिंग मुश्किल होती है, इसलिए हमें पहले करना था, अर्ली करना था। तो जो लोकेशन रांची है, रांची में बिहार के लोग भी आ सकते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग भी आ सकते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा के लोग भी आ सकते हैं, आसपास के सभी लोग आ सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग भी आ सकते हैं इसमें, इसलिए हमने प्लान किया कि रांची होना चाहिए। और रांची की इंक्वायरीज भी काफी होती है, रांची के लोग भी लगभग सभी प्रोफाइल्स में एलिजिबल भी होते हैं, इसलिए रांची को प्लान किया गया। इसके बाद भोपाल में काफी लंबे टाइम से प्लान था, जैसा कि आपको पता कि सेमिनार की शुरुआत इस साल की 2023 की शुरुआत हमने जो शुरू की थी 23 जुलाई 2023 में शुरू किया था भोपाल से ही। तो भोपाल का अगला सेमिनार भी प्लान है, अक्टूबर में होने वाला है और उसकी अनाउंसमेंट भी जल्दी हो जाएगी। हमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है 100+ होना चाहिए। उसके बाद बेंगलोर और बेंगलोर के बाद में कोचीन के बाद में पुणे,
इन लोकेशंस के लिए हमें 100 प्लस रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है हर एक लोकेशन के लिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड है किसी भी प्रोफाइल में हो, जो हमारे पास में करंट रिक्वायरमेंट होती है, हाई बजट, बजट वाली प्रोफाइल, लो बजट, कोई भी प्रोफाइल के लिए अगर जो इंटरेस्टेड है वो इन सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी इंसान जो विदेश जाना चाहता है जॉब के लिए उसको ये सेमिनार अटेंड करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने फीडबैक देखे होंगे, आने वाले टाइम पर और भी फीडबैक्स देखेंगे जिसमें आपको डेफिनेटली ये फील होगा कि ये सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है जिसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। दोस्तों आपको लिंक जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डेट का अनाउंसमेंट भी लगभग हम 4 तारीख को कर देंगे और जो भी अरेंजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से सेटअप में आ जाएगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड वो टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।